कांग्रेस पार्टी के एक से 48वें स्थापना दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस पार्टी की नींव रखी गई थी। कांग्रेस पार्टी को बने हुए आज 137 साल पूरे हुए। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का सफर आधुनिक भारत की कहानी कहता है और ये इतिहास है। इन वर्षों में भारत के हर सफल माइलस्टोन पर आपको कांग्रेस की भारत लिखी रहेगी। ये मौका एक और वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष कांग्रेस सेवा दल अपने 100वें वर्षों में प्रवेश कर रहा है। सेवा दल के साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत की आजादी के आसपास कई दूसरे देश भी आजाद हुए थे, लेकिन बहुत से देश में सत्ता की बागडोर तानाशाही ने ले ली। भारत न सिर्फ सफल और मजबूत लोकतंत्र बना, बल्कि कुछ ही दशकों में हम आर्थिक, न्यूक्लियर, मिसाइल, स्ट्रेटेजिक के क्षेत्र में सुपर पावर बन गए। कृषि, शिक्षा, मेडिकल, आईटी और आईटी सेक्टर में भारत दुनिया के टॉप देशों में से शामिल हो गया। ये सब अपने आप नहीं हुआ, ये कांग्रेस की लोकतंत्र में आस्था के कारण हुआ है। सभी को साथ लेकर चलने की हमारी आइडियोलॉजी के कारण ये सब कुछ हुआ है। विज्ञान में हमारा विश्वास को चलते हुआ उस संविधान में पूरी आस्था की वजह से जो सबको बराबरी का अधिकार और बराबरी के मौके देने की गारंटी हमारी संविधान देती है। आज भारत आगे बढ़ा क्योंकि कांग्रेस ने गरीब, वंचित, दलित समुदायों के हजारों सालों की जंजीरें काटने का साहस दिखाया। आजादी को हर नागरिक तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लिया और उस दिशा में आगे बढ़ने की ईमानदारी के साथ कोशिश की। गांधी जी ने राजनीति को सत्ता की परिक्रमा के रूप में नहीं देखा, बल्कि सामाजिक सुधार, छुआछूत के विरोध, आर्थिक स्वावलंबन, बराबरी के अधिकार, सांप्रदायिकता के विरोध, पुरुष प्रधान के विरोध जैसे विषयों को रोजमर्रा की राजनीति से जोड़ दिया। गांधी जी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कामराज जैसे नेता सामने आए। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, राजकुमार अमृत कौर जैसी महिला नेताओं ने नाम घर घर पहुंच गए। आजादी के आंदोलन के दौरान की कांग्रेस ने कराची प्रस्ताव पास किया और संविधान की मूल आत्मा कैसी होगी ये तय कर दिया। यूं प्लानिंग कमेटी बनाकर आजाद भारत में विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। इसी तैयारी के कारण जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो बिखरा नहीं, बल्कि मजबूती से आगे ही बढ़ता गया, सबको साथ लेकर चलता गया। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए नेहरू जी ने अपनी पहली कैबिनेट में 14 में से 5 मंत्री गैर कांग्रेसी दलों के नेता थे। ये दर्शाता है सबको लेकर चलने का एक उसूल।
भारत की सीमाओं की रक्षा, भारत के सामाजिक ताने बाने की रक्षा, सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, जनता के लिए शिक्षा, रोजगार और रक्षा और देश में वैज्ञानिक सोच की रक्षा, यही कांग्रेस का संकल्प है। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष काल में जब हमारी यूपीए की सरकार बनी थी, तब आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी एक्ट, नरेगा, फॉरेस्ट राइट्स, भूमि अधिग्रहण कानून, ये सब कांग्रेस की विचारधारा की छाप जनता पे और देश पे छोड़ा है। भारत की मूल भावना पर लगातार प्रहार हो रहा है, नफरत की खाई देश भर में खुदी जा रही है, लोग महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन सरकार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। हमें कांग्रेस पार्टी को इंक्लूसिवनेस बनाने के लिए युवाओं और महिलाओं को, वंचित तबकों को, बुद्धिजीवियों को जोड़ना होगा एवं महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए अपने साथ लेकर चलना होगा। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर में फैल हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संजीवनी मिली है। यात्रा ने दिखा दिया है कि कांग्रेस की विचारधारा को देश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इससे आज हमारे विरोधियों को घबराहट पैदा हुई है। हम भारत के बेहतर भविष्य के लिए देशवासियों को इस संघर्ष में शामिल होने की विनंती करते हैं, अपील करते हैं कि वे सब लोग इस यात्रा में जुड़े। उन्हीं के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हम तैयार हैं। ये भरोसा हम देश को देना चाहते हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर इसी संकल्प के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।